भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी भी इंग्लैंड के दौरे पर है। कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड पहुंची थी, वहां पर एक टेस्ट समेत वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है। सीरीज से ठीक पहले भारतीय महिला क्रिकेट को एक बड़ी राहत मिली है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने उनका सारा बकाया पैसा चुका दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 7-8 दिन पहले भारतीय बोर्ड ने पिछले साल हुई टी20 वर्ल्ड कप का बकाया पैसा खिलाड़ियों के खाते में जमा कर दिया है। इसके साथ ही मार्च 2021 में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ हुई सीरीज की मैच फीस भी दे दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि बीसीसीआई ने पिछले महीने यानी मई में भारतीय महिला टीम की सभी खिलाड़ियों से टी20 वर्ल्ड कप के इनामी रकम लेने के लिए बिल भेजने को कहा था। खिलाड़ियों के बिल आते ही एक दो दिन में पैसा दे दिया गया। एक सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि महिला खिलाड़ियों का सारा पैसा दे दिया गया है। 2020 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल तक पहुंची थी। ऐसे में इस टूर्नामेंट में खेलने वाले प्लेयर्स को इनामी रकम के रूप में हर एक को $26,000 यानी 20 लाख रुपए के आसपास मिले हैं। पिछले महीने एक ब्रिटिश अखबार में खबर छपी थी कि बीसीसीआई ने एक साल बाद भी महिला क्रिकेटर्स को पैसा नहीं दिया है। इसमें कहा गया था कि फाइनल तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम को इनाम के तौर पर $5,00,000 यानी करीब 3.5 करोड़ रुपए मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी आईसीसी इवेंट के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्था की ओर से इनामी राशि एक सप्ताह के भीतर संबंधित टीम के क्रिकेट बोर्ड को दे दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर ही इंग्लैंड की टीम को एक महीने के अंदर ही उनकी इनामी राशि बांट दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया को करीब 7 करोड़ रुपए $1 मिलियन मिले थे। इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा अपनी ओर से मिले थे और 2018 के पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की इनामी राशि के बराबर अपनी टीम को अप्रैल 2020 में ही यह धनराशि बांट दी थी। इसके बाद बीसीसीआई की काफी आलोचना हुई थी। इस खबर के बाद भारतीय बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए खिलाड़ियों का पैसा दे दिया।